बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मेरे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल में हम कैसे सैलरी स्टेटमेंट बनाएंगे या पेरोल, आप देखेंगे। ठीक है, सैलरी स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे एमएस एक्सेल में, तो इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे। वीडियो में बनते रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलो कि यहाँ से हम एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आईडी नंबर, ये देखिए आप। ठीक है, आईडी नंबर, ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, डिजिग्नेशन, बेसिक पे, मंथ, ठीक है, प्रेजेंट डेज, यहाँ पर प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, डिडक्शन एंड नेट पे, ये तीन हमें निकालने हैं। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस मंथ की आपको सैलरी बनानी है, ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हेडिंग आप लिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट डेज आपके हाँ में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एब्सेंट डेज निकालने, तो एब्सेंट डेज निकालने के लिए सबसे पहले इसको मैं जूम करूंगा। कैसे आप एब्सेंट डेज निकालेंगे, ये देखिए आप। तो एब्सेंट डेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल, अगर आप मैन्युअली लिखेंगे, ठीक है, 31-25, उसके बाद ये आपको टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको यहाँ पर एक फार्मूला आपको देनी है। ठीक है, तो जो काम आप घंटों में करेंगे वो हम सेकंड में करेंगे, सेकंड्स में करेंगे। तो क्या करना है, इक्वल साइन यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, 31, ठीक है, तो इस मंथ के 31 दिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद प्रेस एंटर करना है। ये देखिए आप, 31 में 25, 6, ठीक है, ये एब्सेंट डेज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रिंट रखना है। उसके बाद क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, ये देखिए सब एम्प्लॉयज का यहाँ पर आया है। ठीक है, अगर आप मैन्युअली लिखेंगे वहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए थोड़ा बहुत मैं जूम कम करूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको फार्मूला देखना है, थोड़ा बहुत मैं जूम बड़ा करूंगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है। यहाँ पर इसने, यहाँ पर इसके 6 दिन एब्सेंट पड़ गए, तो उसकी बेसिक पे क्या है, 15,000, 1500। ठीक है, तो कितना इसको डिडक्ट हो जाएगा 6 दिन में। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक पे, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए स्टार इस्तेमाल होता है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद एब्सेंट डेज, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय करना है, डिवाइड बाय, ठीक है, उसके बाद मंथ के कितने दिन होंगे, ठीक है, होते हैं, ठीक है, या मंथ के इस जहाँ पर आप सैलरी बनाते हैं उस मंथ में कितने दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर 31 दिन है इस मंथ में, जनवरी के, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। इसकी डायरेक्शन हो गई है 290 रुपया 32 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साबुन का निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वापस क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रिंटर रखना है, जो स्क्रीन प्रिंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक में, यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ओके, ठीक है, चलो कि इसको मैं सेंटर पर लूंगा। ये देखिए आप, ठीक है, डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आई है। ठीक है, तो अब आपको नेट पे यहाँ पर आपको शो करना है, कैसे करेंगे आप। ठीक है, सैलरी कितनी है इसकी, ठीक है, बेसिक पे है 1500। ठीक है, तो डिडक्शन हो गई है 290 रुपया 32 पैसा। आप हाथ में क्या लेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है नेट पे निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिक पे पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत देखिए, ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिडक्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाकी एम्प्लॉयज को निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन प्रिंटर आपको रखना है, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या तो आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने सीखा है कि कैसे हम डिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि डिडक्शन आप कैसे निकालेंगे, अगर इसके 6 दिन एब्सेंट हो गए, इसके 4 दिन, ये देखिए सबों का आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिस फार्मूला इंपॉर्टेंट, कैसे आप डिडक्शन निकालेंगे 5 दिन की, 6 दिन की, अगर बेसिक भी है, यहाँ पर इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, ये देखिए। ठीक है, तो उसके बाद नेट पे आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने 3 चीज़ें यहाँ पर हमने सीखे हैं। ठीक है, एब्सेंट डेज निकालना, डिडक्शन निकालना और नेट पे निकालना। तो यहाँ पर अगर आपको ये समझ आया, ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। ठीक है, बाकी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, शबा खैर।